अभी देख रहा हूँ ये बना है बजाज माजेस्टिक का इंडक्शन कुकर है। इसमें क्या फॉल्ट है, कस्टमर मैंने बोला है कि ऑटो ऑफ हो रहा है। अभी हम सप्लाई देके देखेंगे उसमें क्या फॉल्ट है, ऑटो ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल देखिए मैं अभी सप्लाई दे रहा हूँ, अभी सिस्टम ऑन किया, देखिए 2-3 सेकंड के बाद ऑफ हो गया। फिलहाल इसी का फॉल्ट है, इसी का फॉल्ट आज हम रेक्टिफाई करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप। क्या फॉल्ट है इसमें, पीसी में फॉल्ट है या टॉप पैनल पे फॉल्ट में, कहाँ से फॉल्ट में फॉल्ट है, अब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, उसका कवर, कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ है उसमें लगा हुआ है। देखिए ए वाला उसका कूलिंग फैन है जो हीट ऑब्जर्व करता है, अगर वो नहीं चलेगा तो सिस्टम हमारा नहीं चलेगा, उस टाइम चलने के बाद बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए ये वाला फोन ले गए, उसका ब्रिज रेक्टिफायर है, ये वाला आईजीबीटी है और 3 फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें, एक माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है और 0.33 माइक्रोफेरेड 1200 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है और 2 माइक्रोफेरेड 275 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है। इसमें आईसी लगा हुआ है, वहीं पर 12 का आईसी लगा हुआ है। देखिए मुझे ये वाला इधर एक रेजिस्टेंस मिसिंग मिला, पहले था उधर रेजिस्टेंस, अगर कार्बन रॉस्ट के वजह से वो वाला उसका लेग टूट गया होगा, इसलिए वो वाला रेजिस्टेंस मुझे मिसिंग मिला। ये वाला रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या 2-3 रेजिस्टेंस 330 के 220 के और 120 के का रेजिस्टेंस सीरीज में होकर हमारा पल्स जाता है आईसी का 12 नंबर पिन पे माइक्रो कंट्रोलर का। अगर वहाँ पर सेंसिंग वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, आईसी को सिग्नल जाएगा कि एक सर्किट खराब है, मिल नहीं रहा, इसलिए आईसी हमारा तुरंत पावर बंद कर लेगा, इसी का फॉल्ट है। हम ए वाला पॉइंट पे देखिए सप्लाई नहीं जा रहा है, हम चेक करके आपको मल्टीमीटर पे दिखाएंगे हमारा कहाँ पे कितना वोल्ट आता है। देखिए ए वाला तो बजाज माजेस्टिक का ए वाला बोर्ड है ना, ए वाला बोर्ड जनरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें SMD कंपोनेंट यूज हुआ है ज़्यादातर, डीप कंपोनेंट थोड़ा कम यूज हुआ है, लेकिन SMD कंपोनेंट है, SMD पैकेज का जो हमारा पल्स विड्थ की मॉड्यूलेशन सेक्शन का है आपका पूरी SMD सेक्शन का है। देखिए आपको चेक करके वोल्टेज देख रहा हूँ, मेन फिल्टर कैपेसिटर पर हमको 330 वोल्ट से ज़्यादा आना चाहिए, देखिए आ रहा है 330 वोल्ट। और देखिए ए वाला रेजिस्टेंस सीरीज होकर जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है, देखें इधर वोल्टेज कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, पर एक रेजिस्टेंस नहीं थी इसलिए हमको कुछ नहीं मिला। ये जो 330 वोल्ट है, दो रेजिस्टेंस 330 के उसके बाद ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करने के बाद 100 ओम का रेजिस्टेंस पास करके आईसी का 1.5 वोल्ट सेंसिंग वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन सेंसिंग वोल्टेज कुछ नहीं आ रहा है। देखिए और भी वोल्टेज आ रहा है ठीक प्रॉपरली, हमारा सारी वोल्टेज ओके है, लेकिन वो वाला वन से उसमें दो सेंसिंग सेक्शन है, लेकिन ये देखिए ए वाला 100 के का रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस उसको जगह पर मैं लगाऊंगा। देखिए मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा अभी, देखिए मल्टीमीटर को मैंने ग्राउंड पर रख लिया है नेगेटिव को, अभी फिलहाल देखिए हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर पे 300 वोल्ट आ रहा है। अभी फिलहाल एक एक स्टेप देखेंगे रेजिस्टेंस पे, देखिए ए वाला इधर पे 69 वोल्ट आ रहा है, इधर आ रहा है वोल्टेज 72 वोल्टेज आ रहा है, दिखाऊंगा आपको। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इधर वोल्टेज आ रहा है, इधर भी वोल्टेज आ रहा है, थोड़ा वोल्टेज को कम आएंगे, देखिए इधर भी वोल्टेज आ रहा है, 3.something वोल्टेज आ रहा है, 1 के का रेजिस्टेंस देखें, फिर इधर जा रहा है, फिर एक रेजिस्टेंस होकर फिर 1.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, फिर 1.5 वोल्ट हमारा आईसी का 12 नंबर पिन पे जा रहा है। अब और पूरा हमारा सर्किट ओके हो गया है, हमारा पावर सेंसिंग वोल्टेज भी मिल गया, हमारा मुझे लगता है कि हमारा वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। देखिए मैं कवर करके फिर आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ, देखिए हमारा सीरीज बल्ब ग्लो हो गया, मतलब हमारा स्विचिंग शुरू हो गया IGBT। अभी फिलहाल डायरेक्ट सफाई देके देखेंगे, देखिए मैं
अभी सप्लाई 1100 1000 पर टेम्परेचर में रहता है, रखता हूँ। अभी फिलहाल हमारा जो फॉल्ट था, हमारा डिस्प्ले बार बार ऑफ हो रहा था, अभी फिलहाल यहाँ पर भी ठीक देख रहा है। अभी फिलहाल कोई भी फॉल्ट ऑफ नहीं हो रहा है, अभी वो नॉर्मल कंडीशन में हमारा इंडक्शन चल रहा है। इसमें से क्या फॉल्ट था कि हमारा जो सेंसिंग वोल्टेज है जो जाता है आईसी को, वो 12 नंबर पिन को नहीं जा रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया था, उसका लेग टूट गया था, इसलिए नहीं जा रहा था, इसलिए बार ऑफ हो रहा था। इसी के वजह से हमारा सिस्टम बार बार ऑफ हो रहा था। अभी फ़िलहाल हमारा सिस्टम पूरा ओके हो गया है और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अभी पानी फीड होना शुरू हो गया है।